अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और पिछले जो दो सेशंस हैं फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से, एक में हमने जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस किया था, और सेकेंड सेशन में हमने जो फूड के फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज हम जो ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और मैंने कोशिश ये की है कि हर जो फ्रेजल वर्ब के ऊपर हमारा जो भी सेशन है उसमें एक डिफरेंट अंदाज से मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ाऊँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से हर तरह से हो जाए। अब जैसे जो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी थी उसमें हमने सेंटेंसेस दिए हुए थे जिसमें मीनिंग जो थे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग दिए हुए थे, और आपने उन मीनिंग्स को फ्रेजल वर्ब के साथ रिप्लेस करना था। तो ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। फिर उसके बाद जो दूसरी थी उसमें यह था कि सेंटेंसेस बने हुए थे और सेंटेंसेस के आगे खाली जगह दी हुई थी, और आपने उस खाली जगह को जो था वो फिल करना था फ्रेजल वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो थर्ड हमारी एक्टिविटी है इसमें हम एक डिफरेंट तरीके से फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करेंगे। इसमें यह होगा कि आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है और ऊपर आपको ब्रैकेट के अंदर जो है वो फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें आपने देखना है कि कौन सी जगह पे कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा। तो चलें इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी फ्रेजल वर्ब्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जॉन एंड डेविड्स फ्लाइट होम फ्रॉम एम्स्टरडैम वॉज एट 9 इन द मॉर्निंग। दे हैड अरेंज्ड टू मीट विद जॉन्स फ्रेंड मार्क एट 6:30, but Mark arrived at the hotel almost 30 minutes late. That, however, was just the beginning of their problems. On the way from hotel to the airport, their car dashed in the middle of a busy intersection. Their car checked in, their car got on, get off, break down, take off, या turn back. तो कार उनकी क्या हुई, देयर कार ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन है तो ब्रेक डाउन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक डाउन। देयर कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ अ बिजी इंटरसेक्शन, कि उनकी कार जो थी वो खराब हो गई। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ, खराब हो जाना। देयर कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ अ बिजी इंटरसेक्शन कॉजिंग अ ट्रैफिक जैम। ठीक है, इंटरसेक्शन के जो चौक होता है जहां पे गाड़ियां लेफ्ट राइट से आके मुड़ रही होती हैं। देन डेविड रियलाइज दैट ही हैड लेफ्ट हिज मोबाइल फोन इन द होटल, बट इट वॉज टू लेट फॉर देम टू डैश, इट वॉज टू लेट फॉर देम टू चेक इन, गेट ऑन, गेट ऑफ, टेक ऑफ या टर्न बैक। इट वॉज टू लेट फॉर देम टू टर्न बैक, इट वॉज टू लेट फॉर देम टू टर्न बैक। तो यहां पर क्या आएगा, सेकंड में टर्न बैक आएगा। इट वॉज टू लेट फॉर देम टू टर्न बैक। व्हेन दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट दे हैड जस्ट इनफ टाइम टू क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जाके आप क्या करते हैं, चेक इन करते हैं। दे हैड इनफ टाइम टू चेक इन। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ पे टेक ऑफ आना चाहिए, लेकिन टेक ऑफ बंदा तो नहीं करता ना, टेक ऑफ तो जहाज करता है। व्हेन दे अराइव्ड एट द एयरपोर्ट दे हैड जस्ट इनफ टाइम टू चेक इन, गो थ्रू पासपोर्ट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी चेक एंड डैश द प्लेन ठीक है, अब एंड डैश द प्लेन का क्या होगा, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना था, दे हैड टू गेट ऑन द प्लेन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, गेट ऑन द प्लेन। ठीक है, तो चौथे में क्या आएगा, गेट ऑन। अच्छा, द प्लेन डैश ऑफ वेरी शॉर्टली, द प्लेन टुक ऑफ, टेक ऑफ का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, टुक ऑफ। द प्लेन टुक ऑफ वेरी शॉर्टली आफ्टर दैट एंड 8 hours लेटर दे लैंडेड इन न्यूयॉर्क, बट दे कुड नॉट गेट ऑफ द प्लेन। गेट ऑफ का मतलब होता है गेट ऑन का मतलब चढ़ना। अब देखें यहाँ पे फोर्थ में हमने ये पढ़ा था ना कि गेट ऑन, ठीक है, कि वो जहाज पर चढ़े, तो गेट ऑन का मतलब चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब क्या होगा, उतरना। बट दे कुड नॉट गेट ऑफ द प्लेन बिकॉज देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑन द रनवे। ठीक है, दे फेल्ट अ जेट लैग, ठीक है, दे फेल्ट अ जेट लैग, के जहाज में फंसे हुए, दे फेल्ट अ जेट लैग एंड फाइनली 45 minutes आफ्टर लैंडिंग दे डैश 45 minutes आफ्टर लैंडिंग दे गॉट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर दे कुड नॉट गेट ऑफ गेट ऑफ, ठीक है, कि कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, दे फेल्ट अ लेट जैग एंड फाइनली 45 minutes आफ्टर लैंडिंग दे गॉट ऑफ। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, गेट ऑफ ही हम यूज करेंगे। यहाँ पे दे गेट ऑफ, दे कुड नॉट गेट ऑफ, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म गॉट ऑफ। ठीक है, तो आज हमने ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग के अंदर यूज होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा फ्रेजल वर्ब्स पे, उसमें हम एक डिफरेंट अंदाज में
किसी डिफरेंट सिचुएशन के फ्रेजल वर्ब्स जो होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली 8 लेक्चर्स हैं, आज हमारा जो था वो 3rd लेक्चर था। आप 8 के 8 लेक्चर जो हैं फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से इनको ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ताकि आपके जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके बोर्ड के इम्तिहानात हैं, उसमें जो फ्रेजल वर्ब्स वाला पोर्शन होता है वो आपका अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रामर की मुकम्मल जो कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।